चलिए गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम कम अगेन एंड शैल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। दिस नेक्स्ट चैप्टर आवर फोर्थ क्लास एंड दिस टॉपिक इज दिस नेक्स्ट चैप्टर इज क्लास फाइव एंड टॉपिक इज ग्लोब एंड मैप। चार टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले ग्लोब क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन द मैप एंड ग्लोब, एंड लास्ट लैंग्वेज ऑफ अ मैप। ग्लोब, ग्लोब से सब लोग समझते हैं राउंड शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। इस ग्लोब को हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ग्लोब होता क्या है, तो ग्लोब इज द स्फीयर मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी एक गोलार्ध शेप होता है हमारे पृथ्वी का, जो कि जिसमें कि हमें हर तरीके के शेप देखने को मिलता है, जैसे कि सीज उसी में अवेलेबल होते हैं, लैंड ओशन ये सारे चीज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसका, हम लोग को मेटालिक एंड मेटालिक रोड भी देखने को मिलते हैं। देन अगर हम लोग ग्लोब की बात करें तो ग्लोब को सबसे पहले दो पोल्स में बांटा गया। पोल्स कहने का मतलब होता है अर्थ, दैट मीन्स कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसे हम लोग नॉर्थ पोल को हम लोग नॉर्दर्न एरिया, यानी इसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कहते हैं। और इस नॉर्थ एंड साउदर्न पोल को डिवाइड करने वाले बीच से रेखा जाती है जिसे हमें इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेटर का पहले हमें कुछ लाइन जाती है, दिस ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। इक्वेटर के पहले में चार लाइन जाती है जिसको हम लोग अलग अलग नामों से डिनोट करते हैं। जो इक्वेटर के हमारा ऊपर भाग होता है, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा हम लोग ने जो पैरेलल लाइंस खींचे हैं उसको हम लोग, पहले तो बता दूं इन इक्वेटर के पैरेलल लाइन को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड जो कि हम लोग को चार अलग अलग देखने को मिलते हैं। लैटिट्यूड में हम लोग को चार मिलते हैं जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ बिकॉज इज द नॉर्थ अवेलेबल, ये 66 हाफ डिग्री नॉर्थ एंड ठीक अपोजिट 23 डिग्री हाफ इन द साउथ। इस तरीके से ये हमारा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री हाफ इस तरीके से अवेलेबल होता है। तो ये हमारा लैटिट्यूड होता है और इसी में ठीक अपोजिट हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड यानी कि जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक लाइन खिंचाती है, जो बीच का मेडिएशन लाइन होता है, मेडिएशन लाइन यानी कि प्राइमरी लाइन जिसे हम लोग प्राइम मेडिएशन भी कहते हैं या फिर ग्रीन बीच नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये था हमारा एक समरी ऑफ ग्लोब। अब हम लोग बात करते हैं मैप। मैप, मैप होता क्या है, तो मैप इज अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द पार्ट ऑन इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी कि मैप एक तरह का नक्शा होता है जो कि एक समतल जगह पे खींचे हुए कुछ लाइन होती है, जिसके द्वारा हमें मैप को डिनोट करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ग्लोब और मैप, ग्लोब पहले आया क्योंकि ग्लोब पहले आया, लेकिन अंतर यह था कि ग्लोब को कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया कि ग्लोब में और मैप में क्या डिफरेंस। तो पहली बात कि ग्लोब एक राउंड मॉडल शेप, जिसके कारण उसको कहीं भी जाना ले जाना बहुत दिक्कत होता था, लेकिन हमारा मैप क्या था कि एक पेज हुआ करता था, जिसके कारण हम लोग तेजी से कहीं भी ले जा सकते थे, ला सकते थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं मैप, मैप को ठीक करने के लिए हम लोग मैप को पढ़ने के लिए उसका एक लैंग्वेज होता है, और मैप के लैंग्वेज को हम लोग चार तरीके से डिनोट करते हैं। पहला हम लोग का मैप का लैंग्वेज होता है, मैप को पढ़ने के लिए चार लैंग्वेज डिनोट किया था, जैसे डायरेक्शन, कलर एंड सिंबल, स्केल एंड लेजेंड्स और की। डायरेक्शन, डायरेक्शन कहने का मतलब है किसी भी मैप को बताने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मेजर स्टेशन होता है जिसे हम लोग कॉर्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, वो होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन यानी कि नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्दर्न वेस्ट एंड साउदर्न वेस्ट, वो होते हैं। कलर सैम्बल, कलर सैम्बल कहने का मतलब है जैसे हम लोग पेड़ों को ग्रीन से दर्शाते हैं, पहाड़ों को हम लोग ब्राउन कलर से दर्शाते हैं, और जो बर्फीले जगह होते हैं उसे व्हाइट से दर्शाते हैं। इसके बाद स्केलिंग की बात करें, स्केलिंग का बात करने का मतलब इसलिए क्योंकि हमको मैप को मापने के लिए स्केल की बहुत जरूरत होती है, और स्केल के लिए जरूरी है कि हमें ग्राफिकल रेशियो पता हो कि किस तरह हम उसे यूज करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि मैप को अगर हमको जानना है तो स्केल का हमको नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट, लेजेंड्स और की। लेजेंड्स ऑफ की स्केल मतलब ये होता है जैसे हम लोग किसी मैप पे बहुत सारी चीजें जैसे प्लेटफॉर्म दर्शाते हैं, मंदिर दर्शाते हैं, या फिर पार्क दर्शाते हैं, या फिर शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, उन सबको दर्शाने के लिए हम लोग सैम्बल बनाते हैं जिससे हम लोग लेजेंड्स या फिर की करते हैं। देन योर सिलेबस इज अ समरी
इज कम्प्लीटेड। ये था आपका ग्लोब और मैप, जिसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके समझ सकते हैं जो हमने पीडीएफ जो हमने प्रोवाइड करवाया है डाटा उसके द्वारा। और इसके बीच मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जिसे आपको करना है, जैसे कि व्हाट आर द फोर कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप एक्सप्लेनिंग। आप लोगों को हम पहले ही बताएं फोर कंपोनेंट लैंग्वेज, जो कि डायरेक्शन है, कलर एंड सिंबल, स्केल, लेजेंड एंड क्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप, जो कि आप लोगों को हम दे चुके हैं, पेज पर डाला हुआ है, आप लोग पढ़ के चेक कर लीजिएगा। एंड लास्ट व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है आप लोग बता चुके हैं। लैटिट्यूड इट मींस कि रन टू द ईस्ट टू वेस्ट, एंड लॉन्गिट्यूड इट मीन नॉट टू साउथ। एंड लास्ट व्हाट इज, अब इसके बाद आप लोग को हमने बताया है कि नेम द फॉलोइंग, जो कि आप लोग को पढ़ना है। और चलिए इसके साथ हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।